नमस्ते जोहार। तो आज मैं ऐसे बुरखा जैसे पहन के आई हूँ, तो आज मैं मॉनेस्ट्री में आई हूँ। मॉनेस्ट्री में तो आप लोग को व्यू दिखाएंगे, तो इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और पीछे तो आप लोग को दिख ही रहा है मॉनेस्ट्री का, और भी अच्छा अच्छा सीन है दिखाएंगे। तो आज पूरा बुरखा लगा के आई हूँ, धुला बहुत था इसलिए। सो गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अभी नीचे का साइड घूम चुके हैं पूरा, मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं, नीचे का साइड पूरा घूम चुके हैं। और अभी ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके ऊपर का भी हम लोग बुद्धिस्ट देवता को दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो ऐसे ही ब्लॉग में बनी रहिएगा और मिलती हूँ थोड़ा देर बाद।
गाइस, यहाँ पे मॉनेस्ट्री है के देखने के लिए मैं आई हूँ गुलमा में। तो इतना अच्छा व्यू, और जो बुद्धिस्ट देवता है उनके यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट, जो पता नहीं स्टूडेंट बोलते होंगे, स्टूडेंट सब रहते हैं, वो बुद्धिस्ट धर्म ग्रहण किए हुए हैं और यहाँ पे रहते भी हैं। और इसके बारे में मुझे उतना पता नहीं है, मगर मैं जितना देख रही हूँ और समझ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ा एक चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बहुत शांत परिवेश है, हर कोई बहुत शांति से रहते हैं, शांत वातावरण है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग को भी मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी ये गुलमा मॉनेस्ट्री में ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छा जगह है। तो और भी कुछ जगह बचा हुआ है तो मैं वही अभी आप लोग को दिखाऊँगी। ग्राउंड भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, और पब्लिक जो यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पे आप लोग आराम से आइए, मन में शांत भावना लेके आइए और घूमिए, देखिए। तो हर धर्म का एक अस्तित्व है अपना जगह में, वो बहुत महान है। तो आप लोग को भी बोलूँगी, आइए देखिए कैसा लगता है आप सबको, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, तो दिखा रही हूँ आप लोग को, साथ में बने रहिएगा। तो आज का वेदर भी बहुत खूबसूरत है, तो अच्छा ही है, मगर जब धूप होता है तो और ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो मेरे पीछे बैकग्राउंड में दिख ही रहा होगा, तो ऐसे ही देखते रहिए। पता नहीं इनको देख के मुझे एकदम राधा कृष्ण का याद आ गया है, गोपियाँ जो होते थे उनके जैसा एकदम। है हमारे कृष्ण जी, कृष्ण जी यहाँ पे, आई गेस कृष्ण जी होंगे। और ये हमारे सरस्वती देवी यहाँ पे भी है, गाइस अभी सेकंड फ्लोर में है, सेकंड फ्लोर में घूम रही हूँ अकेले अकेले। बहुत अच्छा सीन है, खूबसूरत सीन है, वो स्कार्फ लेके घूम रही हूँ। अच्छा लग रहा है घूमने के लिए, यहाँ पे घूम घूम के देखने के लिए, और सीन भी बहुत बढ़िया है। तो कैसा लग रहा है आप लोग को, ज़रूर आइए घूमिए देखिएगा यहाँ पे, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज का वेदर बहुत अच्छा है, संक्रांति का दिन है तो घूम रहे हैं। पता नहीं ये डिज़ाइन जिसने किया होगा, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत, इतना अच्छा डिज़ाइन कहीं पे नहीं आता है। बुद्धिस्ट लोग के मंदिर वगैरह में यही सब डिज़ाइन हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे आने के बाद अपना मन रियली में एकदम शांत हो गया, मैं अभी जब अच्छा फील हो रहा है। आप लोग भी ज़रूर आइएगा यहाँ पे, बहुत अच्छा सीन है, बहुत अच्छा, माइंड भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा टेंशन कर रही थी, कुछ कुछ अपना पर्सनली बहुत टेंशन रहता है, फैमिली घर वगैरह सबका, मगर यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो थैंक यू टू गॉड कि मुझे यहाँ पे आने के लिए मिला इतना खूबसूरत समय। और देखिए ना, एकदम देखने जैसा सीन है, नेपाल बुढ़ा ना। ओ, नेपाल से आए हैं आप? हाँ। ओके, क्या नाम बताया आपका? अरिता।
अरे तो क्या ये मेरा, मैं ब्लॉग चैनल है तो चैनल में वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप मेरे चैनल में हाय बोल दीजिए सिर्फ। हाँ। हाय कर दीजिए। हाय हाय, अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका यहाँ पे आके भी अच्छा लगा, और भी अगर आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। ओके थैंक यू। कुंभा गुलमा, यहाँ पे कुंभा घूमना हो गया है, हम लोग घूम चुके हैं और अभी हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो पूरा ब्लॉग भी इसी तरह बने रहिएगा और लव सब्सक्राइब प्यार ज़रूर दीजिए, और यहाँ पे आइए हमारे यहाँ पे गुलमा में जो कुंभा है, आप लोग यहाँ पे आइए देखिए, इसको हम लोग कुंभा बोलते हैं, और जो यहाँ के बुद्धिस्ट धार्मिक लोग हैं वो लोग मॉनेस्ट्री बोलते हैं। तो सो गाइस, आप लोग जो जो यहाँ पे आना चाहते हैं, आप लोग सालूगढ़ा होके भी आ सकते हैं और इधर गुलमा खोला होके भी आ सकते हैं। तो कंफ्यूजन था थोड़ा, तो मैं पूछ ली, पूछने के बाद आप लोग को बता रही हूँ। हम लोग का सालूगढ़ा जो बंगाल सफारी है, बंगाल सफारी के साइड से जो रास्ता आता है उसमें आ सकते हैं, और हम लोग का जो मिलन मोड़ इधर गुलमा, वो नदी क्रॉस करके भी आप लोग आ सकते हैं। अभी तो पानी बहुत कम है, आप लोग आराम से आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जगह भी बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, आप लोग आइएगा देखिए, आप लोग को अच्छा लगेगा। तो इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, लव सब्सक्राइब प्यार ज़रूर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे फिर से कोई नए दूसरे ब्लॉग के साथ में, तो इसी तरह लव प्यार दीजिएगा। बाय बाय, चाचा।